Good afternoon. आवाज आ रही है मेरी? पवन, अभय, गुड आफ्टरनून अमन, राजू, अभय, ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। So good afternoon everybody. My voice is clear. Good afternoon Anirudh. Voice clear hai meri ekdam? Okay. So last lecture हम लोगों ने string almost complete कर लिया है. String का topic लगभग खत्म है. जैसा कि मैंने कल आप लोगों से discuss किया था एंड कि एक प्रोग्राम, एक दो प्रोग्राम और मुझे कराने हैं, बट दैट वुड बी अ होमवर्क फॉर यू, जस्ट ट्राई इट एंड लेट्स सी आप कैसा करते हैं. अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर स्ट्रिंग के वो प्रोग्राम करने हैं सो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टू डायमेंशनल एरे. ओके, सो टू डायमेंशनल एरे का आपको नॉलेज होना चाहिए. तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर इज टू डायमेंशनल एरे. करके देखेंगे, नोट डाउन कर लिया है आप लोगों ने जो भी मैंने भेजा था, इसीलिए मैंने 5-10 मिनट आप लोगों को समय दे दिया सो दैट यू कुड गो थ्रू द लेक्चर्स. गुड आफ्टरनून भास्कर, शुभम, ओके सो स्टार्ट करूं मैं? आई थिंक वी शुड स्टार्ट.
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो सबसे पहले आप पहला पेज आप ओपन करिए जो नोट्स आज सेंड करी है। सी दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, राइट। वन डी एरे आप लोगों को मैंने जब डिस्कस किया था, वीडियोस लेक्चर अपलोड किए तो उससे बताया था कि टू डायमेंशनल एरे हम देखेंगे किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उनके साथ काम करते हैं। सो हियर वी गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसा कि पहला पॉइंट देखिए उसमें लिखा हो गया है, टू डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट एरे ऑफ एरेज। सो यानी जैसे वन डायमेंशनल एरे में केवल आपके पास एक एरे होता था, ठीक है, सिंगल डायमेंशन। और याद करिए डिक्लेरेशन में भी हम केवल एक ब्रैकेट का यूज करते थे, इंडेक्स का, जिसके थ्रू हम एरे को एक्सेस करते थे, है ना। सो इन टू डायमेंशनल एरे सबसे पहले तो दो इंडेक्सेस होंगे, है ना, क्योंकि चूंकि टू डायमेंशनल एरे है सो दो इंडेक्सेस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टू इंडेक्सेस से उसको एक्सेस भी करते हैं। एवरीथिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट इंडेक्सेस। ओके, सो डेफिनेशन का जहाँ तक पार्ट है, देखिए ये जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि एरे इज, इट इज डिफाइंड एज एरे ऑफ एरेज। तो अगर मान लीजिए एक एरे ये है, एक एरे और है, एक एरे थर्ड एरे है, ए वन इस एरे, ए वन एरे, ए टू एरे, ए थ्री एरे, ए फोर, इस तरह के चार एरे हैं और हर एरे की साइज हमारी फोर है, यानी हर एरे में चार एलिमेंट्स हो जाते हैं, चारों इंटीजर टाइप के, ठीक है। क्या कोई मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इन चारों एरे को एक यूनिट के तौर पर एक्सेस कर सकें, मीन्स चारों एरे को हम कंबाइन करना चाहते हैं, है ना। सो इन दैट केस वी कैन यूज टू डायमेंशनल एरेज। अभी आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे आप खुद ही देखेंगे टू डायमेंशनल एरेज के एप्लीकेशन क्या है। बहुत सारे एप्लीकेशन है टू डायमेंशनल एरे पे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत सारे, सबसे बड़ी चीज़ है रियल टाइम आपको एग्जांपल्स भी इस पे सॉल्व करने को मिलेंगे। आगे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स करेंगे, यू विल गेट मोर टू डायमेंशनल एरेज। वन भी है, ऑब्वियसली वन तो है ही, बट टू डायमेंशनल एरेज के भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, स्पेशली व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद मैट्रिसेस एंड डेटा, ठीक है। आगे आप चूंकि कंप्यूटर साइंस फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, दोज हु आर वर्किंग ऑन डेटा माइनिंग, ऑल दोज हैव टू वर्क ऑन एरे एंड टू डायमेंशनल एरेज, करना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स डेटा जो होता है हमारा अमूमन टेबुलर फॉर्मेट में होता है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो मतलब हमने कहा कि फिर से हम अपने डेफिनेशन पे आते हैं, एरे वन, एरे टू, एरे थ्री एंड एरे फोर, दे आर फोर एरेज। अगर इनको क्लब करके मैं एक यूनिट बना दूँ, सो चार एरे हैं और हर एरे की साइज क्या है, चार, ठीक है। इनको क्लब कर दिया तो आई कैन से ये जो क्लब करने के बाद जो हमारा यूनिट बनी, एक यूनिट बनी, एक डिब्बा बना, इट इज एन एरे ऑफ फोर डिफरेंट एरेज, कह सकते हैं ना, ए वन, ए टू, ए थ्री, चार एरेज हैं। सो ए वन, ए टू, ए थ्री, इन चार एरेज का एक एरे अगर मैं बना लूँ, दैट बिकम्स एन एरे ऑफ एरे विच इज ए टू डी एरे, ठीक है। सो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी ये क्यों मैंने लिखा। अगर कई वन डी एरे को मैं क्लब कर दूँ, एक साथ मिला दूँ, तो आई कैन से ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है, दैट इट इज एन एरे ऑफ मल्टीपल एरेज, दे आर फोर एरेज, सो आई कैन से इट इज एन एरे ऑफ फोर डिफरेंट एरेज, ठीक है। सो जैसा कि आपने सेकेंड पॉइंट देखिए इसका, जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है उसमें क्या लिखा है, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स, आप सभी ने मैथमेटिक्स में पढ़ी है, मैट्रिक्स इज नथिंग बट रो कॉलम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो डेटा को अगर हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ओके। तो जो टू डायमेंशनल एरे है उसको कॉन्सेप्चुअली हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में समझ सकते हैं, सो ये एक तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट जो कि मैंने लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन रो कॉलम और जिसको हम कहते हैं टेबल, टेबल के फॉर्मेट में। टेबल में क्या होती है, कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, सो यही टेबल होती है। सो रो कॉलम के फॉर्मेट में हम कॉन्सेप्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रोग्रामेटिकली अगर हमें टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करना है, सो हमें दो इंडेक्स चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वन डायमेंशनल एरे में केवल एक इंडेक्स चाहिए होता है ब्रैकेट, इसमें आपको दो इंडेक्स चाहिए होंगे, पहला इंडेक्स रो के लिए, दूसरा इंडेक्स कॉलम के लिए, ठीक है, ओके। सो एक मैंने यहाँ एग्जांपल बना रखा है, देखिए
फाइव क्रॉस थ्री का एक डिब्बा है, ये फाइव क्रॉस थ्री की एक मैट्रिक्स है बेसिकली। तो इसके अंदर देखिए मैंने साइड में लिख रखा है जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। गुड आफ्टरनून मैम। सो देखिए रो नंबर जीरो, रो नंबर वन, रो नंबर टू, रो नंबर थ्री, रो नंबर फोर, और नीचे हमने देखिए लिख रखा है डिब्बे के जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, हमेशा इंडेक्सिंग चाहे रो की हो या कॉलम की, सी प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी, जीरो से। ठीक है, तो जैसे एरे वन डी एरे में कोई भी एलिमेंट की स्टार्टिंग जीरो से होती थी, बिल्कुल वैसे ही टू डायमेंशनल एरे में भी हमारी रो की इंडेक्सिंग भी जीरो से स्टार्ट होगी, कॉलम की इंडेक्सिंग भी जीरो से स्टार्ट होगी। तो देखिए ये जो मैंने ब्लॉक बना रखा है इसमें ऊपर जीरो वन टू लिख रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में जीरो वन टू थ्री फोर तक लिख रखा है। पांच रोज है तो जीरो इंडेक्स से चल के फोर इंडेक्स तक आएगा, तीन कॉलम है तो जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, जीरो से लेकर टू तक जाएगा। ठीक है, सो और ये देखिए ए फाइव क्रॉस थ्री लिख रखा है मैंने, ए में ब्रैकेट में हमने फाइव और थ्री लिख रखा है। तो पहला जो है वो आपका रो साइज बता रहा है फाइव एंड दूसरा जो है कॉलम साइज बता रहा है थ्री। सो रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स का यूज करके मैंने ये मैट्रिक्स को या मैं कह सकता हूँ कि टू डायमेंशनल एरे को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अंदर जो ब्रैकेट डिब्बे के अंदर मैंने हर एक सेल में हर एक लोकेशन में इंडेक्स लिख रखे हैं। देखिए पहला रो होगा वो जीरोथ रो होगी और जीरोथ रो में ऊपर देखिए पहला कॉलम जो होगा वो जीरोथ कॉलम होगा। तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे टॉप में जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ए जीरो जीरो। ठीक है, तो एकदम एक्सट्रीम टॉप मोस्ट कॉर्नर पे जो एलिमेंट है लेफ्ट साइड में वो है ए जीरो जीरो। लेकिन अब उसी रो में आगे बढ़ेंगे तो रो तो नहीं बदलेगी, रो वही जीरो रहेगी लेकिन कॉलम बदल जाएगा, कॉलम अब हो जाएगा वन। सो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए जीरो वन। फिर हम आगे बढ़ेंगे, रो वही रहेगी जीरोथ रो लेकिन कॉलम बदल जाएगा टू, सो एलिमेंट हो जाएगा ए जीरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो में आएंगे यानी रो नंबर वन में, रो नंबर वन में अगर मैं कॉलम पहला लूँ, रो नंबर वन में कॉलम पहला लूँ यानी जीरो है, तो पहला एलिमेंट क्या होगा वन जीरो, फिर कॉलम बढ़ेगा लेकिन रो वही रहेगी, एलिमेंट हो जाएगा ए वन वन यानी पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो के नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, रो वही रहेगी लेकिन कॉलम बदल जाएगा, सो ए वन वन कॉलम टू, सो एलिमेंट हो जाएगा ए वन टू, फिर रो बदल जाएगी और कॉलम फिर जीरो आ जाएगा, सो ए जीरो, ए टू जीरो, ए टू वन, ए टू टू। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने ब्लॉक में लिख रखी है, बेसिकली रो और कॉलम नंबर कौन सा है उससे हमारा एलिमेंट पहचाना जाता है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे सी के अंदर, देखते हैं कैसे हम एरेस को डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं उसके एलिमेंट्स को। यही तीन बातें, देखिए किसी भी एरे की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो तीन बातें, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इवन हम अगर बात करें, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें तीन बातें होती हैं कि एरे की एलिमेंट कैसे, मीन्स हम उस डेटा स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ एरे है, तो एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, देन उस एरे के अंदर वैल्यूज़ कैसे असाइन करेंगे, और वैल्यूज असाइन करने के बाद जब भी हमें आवश्यकता होगी उन वैल्यूज़ को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो यही सारी बातें होती हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ जब हम काम करते हैं, तो वही चीज़ हम 2D एरे के साथ भी काम करेंगे और ये सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिक्लेरेशन दिया गया है 2D एरे का। तो 2D एरे के डिक्लेरेशन में अगेन जैसे 1D एरे में हम क्या देते हैं, सिंटैक्स क्या होता था, डेटा टाइप, एरे का नाम और साइज, एरे की साइज, ये चीज देते थे। बिल्कुल उसी तरीके से 2 डायमेंशनल एरे का भी डिक्लेरेशन होगा, डेटा टाइप सबसे पहले होगा, स्पेस, एरे का नाम होगा। अब यहाँ पे केवल एक साइज नहीं चली क्योंकि यहाँ पे दो हैं, रो भी है एंड कॉलम भी है, सो रो साइज एंड कॉलम साइज। ओके, सो दो ब्रैकेट्स लगेंगे, ठीक है, वही चीज़ आपके सिंटैक्स में लिखी हुई है। देखिए सो डेटा टाइप अगेन जैसे 1D एरे होता है हमारा, 1D एरे के अंदर हमारा क्या है, 1D एरे के अंदर एक ही तरीके के एलिमेंट्स होंगे, एरे की डेफिनेशन नहीं बदलेगी, एरे अभी भी डेफिनेशन वही है कि सिमिलर टाइप के डेटा आइटम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सो 2 डायमेंशनल एरे में भी डेटा टाइप अगर हमने दे दिया, चाहे इंट दे दिया, चाहे फ्लोट दे दिया, चाहे कैर दे दिया, तो यानी जो भी एलिमेंट होगा वो एक ही टाइप का होगा, रो एंड कॉलम में जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जाएंगे वो सब एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे, या तो सारे इंटीजर, या तो सारे फ्लोट, या तो सारे कैरेक्टर।
सो ये बात नहीं बदलने वाली, ये डेफिनेशन नहीं बदलने वाली। यहाँ तक बात समझ में आई? सो डेटा टाइप कुछ भी दे सकते हैं हम, देन एरे का नाम, यहाँ हम कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी मनपसंद का, जैसा यूजर जैसा प्रोग्रामर चाहे वो नाम दे सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज रो साइज एंड कॉलम साइज, दो ब्रैकेट्स लगेंगे, एक में रो साइज देंगे कितनी रोज है मैक्सिमम, और एक में कॉलम देंगे कितना कितने कॉलम्स हैं एरे में, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर एन एरे। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई है। गुड आफ्टरनून रुपेश, मैं है नितेश, गुड आफ्टरनून सबको। यहाँ तक बातें अगर समझ में आई सो प्लीज से यस। ओके जय, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स, एनी कंफ्यूजन? Very nice. So let's move to the next page. Open your next page of this notes. Sarveshwari, क्या हुआ? समझ में नहीं आया? We have written no. अभय नहीं समझ में आया? सर्वेश्वरी एंड अभय, अजीम तुम लोग तो यार लेट आए ही हो, टाइम से पहुंचो तो पहले, जब मर्जी आ रही है तब आ रहे हो तो कैसे समझ में आएगा। सर्वेश्वरी ओके, चलो मैं फिर से एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। देखो हम यहाँ पे टू डायमेंशनल एरेज की बात कर रहे हैं, ओके। सो टू डायमेंशनल एरेज बेसिकली इट इज डिफाइंड एज एरे ऑफ एरेज। अगर मैंने एक एरे लिया है A1, A2, A3, A4, ठीक है, इन सारे को मैं एक साथ ले लूँ पूरे को, मैं कह सकता हूँ कि मल्टीपल एरेज का कलेक्शन या मल्टीपल एरेज का एरे खुद एक 2D एरे है, ठीक है। सो एप्लीकेशन इसके बहुत सारे हैं, है ना। ओके, सो कंफ्यूजन के लिए तुम लोगों ने बोला नो सर। अच्छा ओके ठीक है, रिपीट नहीं करता। व्हाट विल हैपन इफ वी टेक A00? सो इट A00 लिखने का मतलब अनिरुद्ध सिंपली है, जो टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर है मींस रो जीरो एंड उसका कॉलम जीरो, यानी एलिमेंट नंबर जो कि रो जीरो में है एंड कॉलम जीरो में है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं A00 का मतलब। ओके थोड़ा बफरिंग में समय तो लगेगा सौरभ, यहां भी थोड़ा सा नेट अभी स्लो है लास्ट डेज की अपेक्षा। I can feel it. It is a bit slow from yesterday and this. Okay, अभी डिटेल में देखते हैं, अनिरुद्ध सब समझ में आएगा, अभी तो स्टार्ट ही किया है। ओके नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, इसके अंदर एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, जैसे अभी तो मैंने समझा रखा था। नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल आपका देखिए क्या लिख रखा है, कि अगर हमें कोई एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करना है जिसकी जिसमें दो रोज हो और तीन कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज 2 हो 0 and 1 एंड कॉलम 3 हो 0, 1, 2, ठीक है। सो इस तरीके के एरे मुझे अगर डिक्लेयर करना है, सो जो डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट होगी मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इंटीजर की एरे है सो INT, देन एरे का नाम, मान लीजिए मैंने A लिखा हुआ है, अब ब्रैकेट में रो कितने हैं, दो रो हैं, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 2, दूसरे ब्रैकेट में कॉलम का इंफॉर्मेशन रहती है तो 3, क्योंकि 3 कॉलम है, ठीक है। अब बगल में देखिए, जैसे ही मैं ये डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट दूंगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी वेरिएबल हम चाहे डिक्लेयर करते हैं या कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं,
जैसे ही मैं डिक्लेयर करता हूँ उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं जाती, इट्स सिंपली बुक्स सम स्लॉट इन द मेमोरी। जितने साइज का मैंने एरे डिफाइन किया है उतने साइज की एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर दी जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी, किसके लिए, उस एरे के लिए जिसको डिक्लेयर करना, ठीक है। सो 2x3 का यहाँ पर एरे है, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 2 rows 3 columns, टोटल 6 एलिमेंट होंगे। और अगर 6 एलिमेंट हैं तो 6 एलिमेंट के लिए मेमोरी जो है हमारी बुक कर दी जाएगी, एलोकेट कर दी जाएगी, लेकिन अभी उस मेमोरी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगी, अभी वो लोकेशंस खाली रहेंगी। तो वही देखिए राइट साइड में मैंने बनाया भी हुआ है एक डिब्बा, वहाँ दिखाया है 0 rows 1 column 0 column 1 column 2 column। सो 2x3 का एक लोकेशन फिक्स हो जाएगा, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। कॉन्सेप्चुअल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम 2 rows cross column के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में इसको केवल समझते हैं। मेमोरी तो हमेशा लीनियर होती है, मेमोरी में हमेशा ये सीरियल वाइज जाएंगे, रो वाइज, यानी पहले रो का पहला कॉलम, पहले फिर पहली रो का दूसरा कॉलम, नेक्स्ट एलिमेंट, फिर पहली रो का तीसरा कॉलम, नेक्स्ट एलिमेंट, फिर दूसरी रो का, तो रो वाइज पहली रो, देन दूसरी रो, फिर तीसरी रो। एक्चुअली मेमोरी में तो इस तरीके से स्टोर होता है, लेकिन समझने के लिए हम 2D एरे को, ताकि हमारे, क्योंकि हमको मैट्रिक्स बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आती है, इसलिए उसको समझने के लिए हम उसको रो कॉलम के फॉर्मेट में समझते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इज अ कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे, नॉट एक्चुअल। मेमोरी में तो सब पूरा लाइन से एलिमेंट स्टोर है, एक एक करके, पहले रो 1 के, फिर उसके आगे रो 2 के, फिर उसके आगे रो 3 के। इज इट क्लियर? सो उस कॉन्सेप्ट में मैं नहीं डिटेल में जाता, फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि 2D एरे है और एरे के एलिमेंट इस तरीके से एक्सेस किए जाएंगे, है ना, रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सो अभी हमने जैसे ही डिक्लेयर किया तो अभी केवल मेमोरी एलोकेट हुई, अभी मेमोरी में कोई भी वैल्यू हमारी नहीं गई, ठीक है। सो वैल्यू असाइन करने का तरीका, फिर अगेन हम इनिशियलाइजेशन की बात करें, पहली बार वैल्यू दे रहे हैं एरे के एलिमेंट्स को, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। सो नेक्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे, ठीक है ना। सो नाउ अब हम इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो 1D एरे में भी हमने देखा था इनिशियलाइजेशन के बहुत सारे तरीके थे, डिक्लेरेशन के समय पे इनिशियलाइज कर सकते थे, लूप के साथ इनिशियलाइज कर सकते थे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते थे। ये सारा वीडियो लेक्चर से मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। यहाँ भी एग्जैक्टली सेम तरीके से बात होगी, यहाँ भी कई तरीके हैं। तो देखिए पहला तरीका है कि जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं एरे को उसी समय उसको वैल्यू भी दे देते हैं। सो एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग एरे, सो इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एरे, पहला तरीका ये, ठीक है। सो इसमें कई देखिए तरीके से मैंने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर रखी है। पहला तरीका है int a23 इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर, अब 23 एरे की साइज है, रो 3 कॉलम्स, यानी टोटल 6 एलिमेंट, 2 × 3, 6 एलिमेंट्स मैंने असाइन कर दिए, है ना, कॉमा लगा लगा कर। ऑटोमेटिकली देखिए इसका इक्विवेलेंट रिजल्ट क्या आएगा, डिब्बे मैंने लिखा है 243 पहली रो में चला जाएगा 1x1 एंड 516 सेकेंड रो में चला जाएगा 1x1, ठीक है। सो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका फिर int a23 और करली ब्रैकेट के अंदर फिर से मैंने 2 brackets लगाए हैं, और वो ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक रो को अलग अलग, ठीक है। सो 243 को एक ब्रैकेट में मैंने लिख लिया है कॉमा, फिर 516 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया कॉमा लगाने के बाद, ठीक है। लिखने को देखिए दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से एरे यही जनरेट होगा जो राइट साइड में हमने डिब्बा बनाया है, 243 516, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा रिजल्ट में। लेकिन जो सेकेंड वाला मेथड है वो देखिए थोड़ा सा देखने में समझ में आ रहा है कि 243 एक रो है एंड 516 एक रो है, तो खुद को समझ में अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ने वाले के समझ में आएगा कि ओके रो एक रो है 243 और दूसरी रो है 516, ठीक है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बस बढ़ जाती है। तीसरा तरीका देखिए, मैंने यहाँ पे रो साइज मेंशन नहीं करी। तीसरे टेक्निक में देखिए इंट ए ब्रैकेट खाली है एंड 3, सो रो साइज मैंने नहीं मेंशन करी, और इक्वल टू फिर 243 516 ब्रैकेट्स के अंदर 243 एंड 516 लिख रखा है, ठीक है। ये भी वही एरे जनरेट करेगा जो अभी तक किया ऊपर, 243 2x3 का एरे जनरेट होगा 243 एंड 516। देखिए
रो साइज यहाँ पर देना मस्ट नहीं है, लेकिन कॉलम साइज देना मस्ट है अगर हम डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं तो, ठीक है। केवल ये बात उसी समय के लिए लागू है, उसी समय के लिए वैलिड है व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग, व्हेन वी आर इनिशियलाइजिंग द एरे अलोंग विद द डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के साथ जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उसी समय ये बात वैलिड है। इज इट क्लियर? आप रो साइज स्किप कर सकते हो, कॉलम साइज लेकिन देना मस्ट है। कॉलम साइज से वो पहचान जाएगा कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। सो दिस इज वन मोर मेथड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन असाइन द वैल्यूज। सो चौथा तरीका भी उसी का एक वर्जन है, इंडिविजुअल ब्रैकेट्स के अंदर भी करके हम ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रो, हर एक रो के एलिमेंट्स को। यहां तक बात समझ में आई शिवांगी? नेट नहीं चल रहा है, कोई नहीं, धीमे धीमे ही हम पढ़ा रहे हैं, कोई बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, बफरिंग में थोड़ा समय लग रहा होगा, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है ना बीच में। रिपीट कर दूं क्या? इनिशियलाइजेशन रिपीट करूं सौरभ? सौरभ क्या रिपीट करूं, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट? ओके सर, जया, भास्कर, रुपेश, गुड, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ओके अजीम, सौरभ, कैन यू हियर मी सौरभ? कौन सा पार्ट रिपीट कर रहे हैं? गुड सताक्षी, ओके सौरभ, ठीक है, हमसे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लेना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है। नहीं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पर, एक बार फिर से देख लेना, समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई बहुत टफ नहीं है, इजी ही है, ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेना। ओके ओके अमान, सो गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर थर्ड, ठीक है। तो पहला मेथड जो हम लोगों ने देखा कि डिक्लेरेशन के साथ ही साथ वैल्यूज भी असाइन कर दिया एरे में, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका, जैसे 1D एरे में हम लूप का प्रयोग करते थे, लूप चलाया कहाँ से कहाँ तक, जीरो इंडेक्स से लेकर एरे की मैक्सिमम इंडेक्स तक हम एक लूप चलाते थे और स्कैनर फंक्शन का यूज करते थे और एरे के एलिमेंट्स को रीड कर लेते थे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह इस 2D एरे में भी हम ये काम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा फर्क आ जाएगा, यहाँ पर हम नेस्टेड लूप्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सो नेस्टेड लूप के साथ काम करना आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है, क्लास में मैंने डिस्कस किया था जब क्लासेस चल रही थी रेगुलरली, सो उस समय मैंने 2D नेस्टेड लूप्स डिस्कस किए थे। पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कराए थे, नेस्टेड लूप के बेसिस पर ही कराए थे। तो नेस्टेड लूप में अगर आपको याद होगा, एक आउटर लूप होता था और एक इनर लूप होता था। सो आउटर लूप के अंदर इनर लूप को हम चलाते थे, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे कि नेस्टिंग ऑफ लूप्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एरे, जब 2D एरे के साथ काम करते हैं, तो चूंकि इसमें रो है एंड कॉलम है, दो अलग अलग चीजें हैं, एक रो एक कॉलम, ठीक है। तो हम दो लूप चलाते हैं नेस्टेड वे में, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। और वैसे तो आप किसी को भी आउटर लूप में रख सकते हैं, किसी को भी इनर लूप में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो केवल इंडेक्सिंग से आपका हैंडल हो जाता है। लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में आदत आदमी की यही होती है कि रो का लूप आउटर रहेगा और कॉलम का लूप इनर रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अ नेस्टेड लूप इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एंड आउटर लूप नॉर्मली फॉर रोज एंड इनर लूप फॉर कॉलम्स, दिस इज द यूजुअल प्रैक्टिस
फिक्स नहीं है, आप कॉलम को भी बाहर ले सकते हैं, रो को भी अंदर ले सकते हैं, ठीक है। ये थंब रूल नहीं है कि आपको रो बाहर ही लेना, ठीक है। लेकिन अमूमन ऐसा आदमी करता है, क्योंकि आदमी को हम लोग जिस तरीके से समझते हैं वो उस फैशन में ये चीज़ जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। ओके, सो देखिए, अब आप आउटर लूप जो मैंने चलाया है, नीचे देखिए लूप चलाया हुआ है, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई शुड लेस देन नंबर ऑफ रोज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो आउटर लूप किसके लिए चल रहा है, रोज के लिए, ठीक। तो आउटर लूप जब रोज के लिए चल रहा है तो जीरो इंडेक्स से चालू करेंगे, क्योंकि रो जीरो से चालू होगी, रो भी जीरो से चालू होता है, कॉलम भी जीरो से। सो रो जीरो से लेके हम कहाँ तक जाएंगे, लेस देन नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर ऑफ रोज हमारी टू है, अगर नंबर ऑफ रोज हमारी टू है तो हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेके वन तक, क्योंकि रो नंबर जीरो और रो नंबर वन। अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में हम लोगों ने एरे देखा था ना, दो रो होती थी तो जीरो से चलता था तो एक कम तक जाता था, वन तक। सो टू रोज, ओके। सिमिलरली अगर कॉलम तीन है, सो जीरो वन एंड टू, ठीक है, इस तरीके से चलता था। सो यानी जितने नंबर ऑफ कॉलम है उससे एक कम तक इंडेक्स जाएगा मैक्सिमम वाला, है ना, चाहे रो हो चाहे कॉलम। सो फॉर आई इज इक्वल टू जीरो आई शुड लेस देन नंबर ऑफ जीरो, जैसे ही मैं लिखता हूँ, यानी आई इज इक्वल टू जीरो से लेके आई कहाँ तक चलेगा, वन तक, अगर नंबर ऑफ रोज टू है, ठीक है। सिमिलरली इनर लूप में हमने क्या लिख रखा है, फॉर जे इज इक्वल टू जीरो जे शुड लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री है तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, जे का जीरो से लेके टू तक। ओके, यहां तक बात समझ में आई। और इसके बाद हम लूप इनर मोस्ट लूप के अंदर, जे वाले लूप के अंदर हम क्या लिख रखे हैं, स्कैनफ परसेंट डी एम्परसेंड ऑफ ए ऑफ आई एंड जे, ब्रैकेट में मैंने ए ऑफ आई जे, क्योंकि आई जे दोनों इंडेक्स हमें देना पड़ेगा। ओके, सो अब देखिए इस लूप की वर्किंग कैसे होगी। नेस्टेड लूप की वर्किंग आप जानते हैं, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप पूरा चलता है, फिर आउटर लूप की नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर इनर लूप पूरा चलता है जितने बार चलना हो। इस तरीके से नेस्टेड लूप काम करता है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं आउटर लूप में आई की वैल्यू जीरो रखूं तो जब लूप के अंदर आएंगे आउटर लूप के, तो अंदर फिर एक जे का लूप लगा हुआ है, और अगर जब जे का लूप लगा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, जे जीरो से लेकर नंबर ऑफ कॉलम्स से एक कम तक, यानी जे अगर नंबर ऑफ कॉलम थ्री है तो जीरो से लेकर टू तक चलेगा। तो देखिए नीचे मैंने लिख रखा है, अगर आई और जे की वैल्यू देखिए, यहाँ पर आई और जे की वैल्यू लिखी है एंड एलिमेंट्स स्कैन लिखा हुआ है ना, आई की वैल्यू जब जीरो होगी तो जे की वैल्यू जीरो वन और टू तीनों के लिए लूप चलेगा इनर वाला, है ना। नेस्टेड लूप की वर्किंग ऐसे ही होती है। सो जब तीनों के लिए चलेगा तो पहली बार जब चलेगा, यानी आई इज इक्वल टू जीरो एंड जे इज इक्वल टू जीरो, तो स्कैनफ में जो एलिमेंट रीड होगा, आई की वैल्यू भी जीरो होगी और जे की वैल्यू भी जीरो होगी, तो उस समय कौन सा एलिमेंट हम रीड कर रहे होंगे यूजर से, ए जीरो जीरो, आई की वैल्यू भी जीरो एंड जे की वैल्यू भी जीरो, तो ए आई जे में क्या हो जाएगा, ए जीरो जीरो, ठीक है। यानी सबसे पहला वाला एलिमेंट जो मैंने लगा भी रखा है एरो से, उसको डिनोट कर रखा है। तो जब आई की वैल्यू जीरो जे की वैल्यू जीरो तो एलिमेंट कौन सा स्कैन, ए जीरो जीरो, और वो एलिमेंट अभी यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में क्या ले रखा है मैंने, टू। तो यूजर अगर टू इनपुट करेगा तो टू यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि यूजर टू इनपुट करेगा, ठीक है, देन आई की वैल्यू जीरो ही रहेगी और इनर वाले लूप की नेक्स्ट साइकिल चलेगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी वन, राइट। तो आई की वैल्यू जीरो एंड जे की वैल्यू वन, तो एरे का एलिमेंट कौन सा ये डिनोट होगा, ए जीरो वन, आई की वैल्यू जीरो एंड जे की वैल्यू वन, ए जीरो वन, यानी जीरोथ रो का पहला कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है। सो जो कि मान के चल रहे हैं हम कि फोर यूजर ने इनपुट किया होगा, तो ए जीरो वन में क्या चला जाएगा, फोर, क्लियर है यहां तक बात। सिमिलरली आई की वैल्यू अभी जीरो ही रहेगी, इनर वाला लूप एक और इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी टू। सो जो अब एलिमेंट रीड होगा वो क्या हो जाएगा स्कैनफ में, ए जीरो टू, ठीक है, यानी जीरोथ रो का सेकंड कॉलम। ओके, सो पहली रो मीन जीरो वाली रो की सबसे लास्ट वाली कॉलम में जो एलिमेंट जाएगा ए जीरो टू में, वो क्या चला जाएगा, टू फोर, और यहाँ पे हमने ले रखा है थ्री, ठीक है। अब अज्यूम कर रखा है कि यूजर ने थ्री इनपुट किया हो। ओके, सो ये हो गया आपका, पहले रो के सारे एलिमेंट्स स्कैन हो गए। देन जब ये लूप
तीन बार चल गया इनर वाला जे का, तो अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3। और जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी तो हमने कंडीशन क्या दे रखी है, जे शुड लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे 3, ठीक है ना, एंड 3 इज नॉट लेस देन 3। ये कंडीशन फेल कर जाएगी, जैसे ही कंडीशन फेल कर जाएगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, इनर वाले लूप से, जे वाले लूप से हम बाहर आ जाएंगे। अब जे वाले लूप से तो हम बाहर आ गए, लेकिन अभी हमारा आउटर वाला लूप अभी पूरा नहीं चला है। अब आउटर वाले लूप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, यानी आई की वैल्यू में अब एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। इज इट क्लियर? जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी, अभी भी कंडीशन ट्रू है कि आई इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, आई की वैल्यू हो गई 1, नंबर ऑफ रोज है 2, सो आई की वैल्यू अभी भी 1 इज लेस देन 2। सो फिर से लूप के अंदर आएंगे, जे वाला लूप फिर चलना चालू करेगा, कहां से चालू करेगा, फिर 0 से चलेगा। सो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 0, एलिमेंट कौन सा रीड होगा, A10, यानी फर्स्ट रो का 0 वाला एलिमेंट, 0 कॉलम वाला एलिमेंट। सो यानी अब यहां पर हमने क्या इनपुट कराया है वहां पे 5। फिर आई, फिर जे की वैल्यू एक बढ़ेगी, आई की वैल्यू वही रहेगी, यानी आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, तो एलिमेंट कौन सा रीड होगा, A11, ठीक है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, जो कि यहाँ पर हमने क्या ले रखा है 1, एग्जाम्पल में क्या ले रखा है, यूजर ने इनपुट किया होगा 1। इसी तरह का जे की वैल्यू फिर एक इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू वही रहेगी, सो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, सो A12, यानी फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट, ठीक है, और वो यहाँ पर हमने क्या इनपुट करा रखा है 6। तो इस तरीके से ये लूप 2 बार चल जाएगा आई के लिए। अब जे वाला लूप फिर से खत्म हुआ, 3 एलिमेंट हमने रीड कर लिए, आई की वैल्यू अब जब इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और आई की वैल्यू 2 है और नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो कंडीशन में देखिए 2 लेस देन 2 आ जाएगा। जब कंडीशन में 2 लेस देन 2 आ जाएगा, इट मींस कि कंडीशन फेल हो जाएगी आउटर लूप की भी। And as soon as the condition of outer loop fails, it just terminates the loop. So outer loop भी terminate हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हम सीधा loop से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम 6 बार ये scanf statement चलेगी और row wise elements को scan कर लेगी, ठीक है। Inner loop column के लिए चल रहा है, outer loop जो है वो number of rows के लिए चल रहे हैं। So I hope कि यहाँ तक का part आपको clear है, कोई चीज जो नहीं समझ में आई। अजीम, जया, भास्कर, अमान, पवन, अभिषेक, अभय, सर्वेश्वरी, सताक्षी, अजीम, वेरी गुड, वेर इज अनुरुद्ध, दिखाई नहीं दे रहा, ओके, शिवानंद, गुड, गुड, रुपेश, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 देखिए, गुड सताक्षी, महक, ओके, अनिरुद्ध हो, ठीक है, बढ़िया। सो फोर्थ पेज पे देखिए, तीसरा मेथड इनिशियलाइजेशन का, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन देख लिया, लूप देख लिया। देखिए लूप वैसे तो हम इनिशियलाइजेशन करने के लिए बहुत तरीके से, अगर सारी वैल्यूज को 0 से इनिशियलाइज करना है तो भी हम लूप प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, एरे को जब इनिशियलाइज करते हैं और यूजर से इनपुट लेते हैं तो लूप ही लगाना पड़ता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यूज यही होता है, बाकी एज पर द रिक्वायरमेंट है, कोई फिक्स नहीं है कि लूप का, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल हम केला भी देखेंगे, डिस्प्ले करने के लिए भी लूप का वही इस्तेमाल करेंगे, है ना। सो लेट्स सी थर्ड मेथड, इनिशियलाइजिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअली हम इनिशियलाइज करते हैं। तो हम जानते हैं कि एक एक एलिमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स से डिनोट करते हैं। तो A00 यानी 0 रो कॉलम, उसमें वैल्यू हमने देखी क्या असाइन कर दी है 2। फिर A01
जीरो रो का फर्स्ट कॉलम वैल्यू असाइन कर दी 4, ए जीरो टू यानी जीरो रो का सेकंड कॉलम वैल्यू असाइन कर दी 3, फिर ए वन जीरो फर्स्ट रो जीरो कॉलम वैल्यू असाइन कर दी 5, ए वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू असाइन कर दिया 1, ठीक है, ए वन टू इसका मतलब जीरो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम उसमें वैल्यू क्या असाइन कर दी इक्वल टू करके 6. सो बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू एक एक एलिमेंट को हम आराम से दे सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने रो वाइज दिए तो आप रो वाइज दीजिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में हम एलिमेंट पहले हम सबसे कोने वाले एलिमेंट को दे दें, फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को दे दें, फिर बीच वाले एलिमेंट को, तो किसी भी ऑर्डर में हम ये इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, जिस ऑर्डर में करेंगे उस ऑर्डर में वैल्यू जाती रहेगी एक एक करके, ओके. भास्कर कोई बात नहीं, नेट की प्रॉब्लम है तो जितना समझ पा रहे हो समझ, स्लो तो है नेट थोड़ा सा, लेकिन जो नहीं समझ में आया वीडियो लेक्चर्स तो पढ़ा ही रहेगा, नोट्स तुम्हारे पास रहेगी, फिर से समझ लेना, और इन केस अगर और कोई दिक्कत ग्रुप में पूछ लेना हमसे, ठीक है, मैसेज कर लेना, आई विल एक्सप्लेन इट, या ग्रुप में बता देना कल हम लेक्चर लेंगे तो पहले वही बात एक बार फिर से समझा देंगे, ओके, रिपीट कर दूंगा कल, ठीक है. इवन आप एक काम करिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो रैदर देन टेकिंग द न्यू लेक्चर टुमारो, हम नया मीन्स इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शुरू का 15-20 मिनट हम आपको रिवीजन के लिए दे देते हैं, अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी आप लोग कोई पार्ट नहीं समझ में आया अभी स्ट्रिंग से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से लेके अभी तक में, तो हमें जस्ट टॉपिक मेंशन कर दीजिएगा कि ये पार्ट नहीं समझ आया, लेकिन क्लियर कट मेंशन करिए, ये नहीं लिख दिया गया स्ट्रिंग इन सी तो वो मतलब पूरा हो गया, ठीक है, सो एक पर्टिकुलर पार्ट दीजिएगा कि ये पार्ट स्ट्रिंग वाले में ये लेक्चर के दिन ये चीज़ नहीं समझ में आई, वो आप केवल हमें ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सो इनिशियल 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी लगेगा हम उसको एक बार रिपीट कर देंगे, ओके, इसके बाद लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, फाइन. चलिए, आवाज़ कट रही है, सबको आवाज़ कट के ही आ रही है, केवल शिवानंद तुम्हें आ रही है, बाकी लोग का क्या आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी? सौरभ तुम लोग, सौरभ या जिसको भी दिक्कत, देखो बाकी लोगों के साथ दिक्कत नहीं है, यानी कुछ इंटरनेट की तुम्हारे यहाँ तुम्हारी तरफ प्रॉब्लम ज्यादा है इसलिए, ओके, अब है ठीक है, कोई इशू नहीं है, कट के आ रही है कोई बात नहीं, कुछ तो समझ में आ रहा होगा, 40% 50% 60% इतना समझ में आ रहा होगा ना, जितना भी समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो लेक्चर एक बार फिर से देख लेना, रिकॉर्ड तो प्रॉपर हो रहा है तो वहां तो आवाज पूरी रहेगी, एक बार सरसरी निगाह से फिर देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है. ठीक है, जिनके साथ भी ऑडिबिलिटी की प्रॉब्लम है वो एक बार से वीडियो फिर से देख लें, ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है. सो ओके, अब है ठीक है, ठीक ठीक है शिवानी. सो ये हमारा तीसरा मेथड था इनिशियलाइजेशन का, एक एक एलिमेंट को वैल्यू असाइन करना, किसी भी ऑर्डर में असाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो जो कि अमूमन हम नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एरे बहुत बड़ी है, 2-dimensional एरे है, मान लीजिए हमने एरे ले ली 10x20 की, तो आप सोचिए 10x20 मतलब 200 एलिमेंट्स, तो क्या आप 200 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली वैल्यूज असाइन करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, छोटे एरे के लिए तो आपने लिख लिया 6 एलिमेंट्स असाइन करने थे, लेकिन जैसे ही एरे की साइज 2-dimensional एरे की साइज बढ़ेगी ये काम आप नहीं कर पाएंगे. हाँ, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपको वैल्यू देनी है तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सबको देनी है तो नॉर्मली वी यूज लूप्स, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी पैटर्न में देनी होती है या यूजर से मांगनी होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लूप का इस्तेमाल करते हैं रेदर देन टेकिंग द 200 वैल्यूज, अगर असाइन करनी है तो 200 वैल्यू हम
अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, प्रोग्रामर ये बर्डन नहीं लेता, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं। जब आपने एरे एलिमेंट को एक्सेस मीन्स यूज़ करना सीख लिया तो एक्सेसिंग हम बोलते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक यही एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे। तो अभी तक आपने देख ही लिया है कि किसी भी एरे का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना होता तो हमें उस एलिमेंट का रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स मैं फिक्स कर देता हूँ तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा एक्सेस हो जाता है। एक्सेस मतलब जो उस एलिमेंट में वैल्यू है उसको रीड करना, प्रोग्राम में कभी भी उस वैल्यू की आवश्यकता हो तो उसको रीड करना। तो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर हमने दिखाया भी हुआ है कि अगर कोई भी एरे हो, जैसे 3x4 का एग्जाम्पल ले रखा है ए एरे का, तो ए आई जे लिखता हूँ मैं, तो इसका मतलब ith रो एंड jth कॉलम, i की वैल्यू और j की वैल्यू जो भी होगी उस लोकेशन पर जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा एक्सेस हो जाएगा, उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं इसका मतलब, ठीक है ना। और नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एरे बी ले रखा है 2x3 का और उसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 1 एंड 3, 4, 2। यहाँ नीचे उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया है कॉन्सेप्चुअली 2D एरे को, कि दो रो है, 3 कॉलम है, 1, 2, 1 है पहली रो में, 3 दूसरी रो में जो है तुम्हारा 3, 4, 2 है, ओके। और हमने एक वेरिएबल x ले रखा है, x इज इक्वल टू जैसे ही मैंने लिखा a01 प्लस a12, जो हमने स्टेटमेंट लिख रखी है a01 प्लस a12, यानी हम किन दो एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं जो 0 रो के 2nd कॉलम में है और सॉरी 01 0th रो के 1 कॉलम में है एंड 1st रो के 2nd कॉलम में, ये दो वैल्यू को हम जोड़ना चाह रहे हैं और उस सम की वैल्यू हम x में लिखना चाह रहे हैं। तो यानी हम किन दो एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, a01 को a12 को। a01 कहाँ है देखिए, पहला सर्किल लगा रखा है, वैल्यू है 2, ठीक है। उसी तरह का a12 कहाँ है, 1st रो के 2nd कॉलम में, यानी एकदम देखिए बॉटम मोस्ट, बॉटम राइट मोस्ट कॉर्नर, ठीक है, वहाँ पे भी वैल्यू 2 है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू एक्सेस हो जाएंगी, रीड हो जाएंगी और रीड होने के बाद 2+2 4 होगा और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4। सो इन दिस वे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एनीवेयर, उसके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स से हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, कहीं भी आवश्यकता हो, किसी भी एक्सप्रेशन में, कैलकुलेशन में, ठीक है, हर जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये पार्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो लेट्स क्विकली जंप टू द 5th पेज, द लास्ट पेज ऑफ दिस नोट्स फॉर टुडे। सो ये आपका पहला प्रोग्राम है एंड द मोस्ट सिंपल प्रोग्राम, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नेस्टेड लूप का तरीका समझ चुके हैं, और जब समझ चुके हैं अगर प्रॉपरली सो वही चीज हमने यहाँ पर यूज की है और स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि देखिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है। सो द फर्स्ट प्रोग्राम इज वेरी सिंपल प्रोग्राम, इट इज जस्ट रीड अ 2D एरे ऑफ साइज 2x3 फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट्स। सो सबसे आसान प्रोग्राम है कि यूजर से साफ साफ दे दिया है एक इंटीजर एरे हमें इनपुट कराना है, इंटीजर 2D एरे जो कि अच्छा डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है लेकिन हम मान के चल रहे हैं इंटीजर है। सो एक इंटीजर 2D एरे हमें इनपुट कराना है यूजर से जिसकी साइज क्या हो, 2x3 हो, यानी 2 रो हो और 3 कॉलम हो, ठीक है। सो आप समझ जाएंगे कि एरे को डिक्लेयर करने में 2 रो और 3 कॉलम देना है, रो में और कॉलम की साइज में, ठीक है। और उसके जो भी यूजर इनपुट करेगा एलिमेंट उसको डिस्प्ले, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि यूजर क्या इनपुट करेगा, यूजर कुछ भी इनपुट, जो भी यूजर इनपुट करे उन्हीं एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर लेना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड कर ली एंड देन वर्ड मेन के अंदर मेन फंक्शन स्टार्ट किया, हमने डिक्लेरेशन दिया एरे का 2, 3, ठीक है। जैसे ही मैंने 2, 3 दिया यानी 2 रो 3 कॉलम का एक एरे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं ए नाम का इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो जैसे ही ये डिक्लेरेशन होगा देखिए एक ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ब्लॉक क्रिएट किसके लिए हो जाएगा, इस एरे ए के लिए, ठीक है, जिसमें 6 एलिमेंट आने हैं 2 रो और 3 कॉलम के फॉर्मेट में। देखिए साइड में मैंने डिब्बा बना भी रखा है, राइट। सो जैसे ही ये स्टेटमेंट डिक्लेयर होगी एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट कर दिया जाएगा एरे ए के नाम पर, 6 एलिमेंट जिसमें होंगे, ठीक है, अभी उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं जाएंगी। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, आई और जे दो वेरिएबल और डिक्लेयर ले रखे हैं जो हम नेस्टेड लूप चलाने के काम आएंगे, ओके। सो इन नेक्स्ट स्टेप रीड एरे ए
फ्रॉम यूजर, यूजर से हमको वैल्यू चाहिए। तो जैसे अभी मैंने नेस्टेड लूप की मैकेनिज्म देखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम हमने फॉर आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, आई लेस देन टू तक, यानी जीरो और वन के लिए चलेगा आउटर लूप, टू पे कंडीशन फेल हो जाएगी। फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन थ्री, यानी जे जीरो वन टू के लिए चलेगा, तीन रो है, जीरो वन टू के लिए चलेगा, थर्ड पर फेल हो जाएगा। ओके, जे प्लस प्लस। और इनर लूप के अंदर मैंने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखी है, परसेंट डी टीजर वैल्यूज है एरे में, परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ऑफ ए ऑफ आई जे। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो यूजर वन बाई वन जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू किस में चली जाएगी, एरे के अंदर एक एक एलिमेंट पर जाती जाएगी। ठीक है, छह बार स्कैनफ स्टेटमेंट चलेगी, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री टाइम्स चलेगी नेस्टेड लूप में, एम क्रॉस एन टाइम चलती है अगर नंबर ऑफ रोज एम हो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एन हो तो। ठीक है, इनर मोस्ट स्टेटमेंट क्या है स्कैनफ की, ये छह बार चलेगी और छह एलिमेंट्स रीड करेगी, क्या करके पहले रो जीरो के फिर रो वन के। ओके, एंड जब ये वैल्यूज रीड हो जाएंगे तो हम मान के चल रहे हैं कि एरे के अंदर वैल्यूज क्या रीड हुई है, यूजर ने क्या इनपुट किया, 683412। ठीक है, यूजर ने ये वैल्यूज इनपुट करी है, एज्यूम किया है। तो अब हमारा एरे इनिशियलाइज हो गया आफ्टर दिस नेस्टेड लूप। अब हमें क्या करना है, इसी एरे की वैल्यू को डिस्प्ले कर लेना है जो भी यूजर ने इनपुट किया। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया है, देखिए लिखा हुआ है प्रिंट एफ इंटर इंटर्ड एलिमेंट्स आर, एक स्टेटमेंट दी है कि ये इंटर्ड एलिमेंट्स आर। अब उसके आगे नीचे हम क्या क्या एलिमेंट इंटर हुए वो डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, चूंकि देखिए जैसे 1D एरे के अंदर कोई भी काम करना होता था तो हम हर एरे के एलिमेंट के पास जाते थे ना, और जब जाते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, लूप चलाते थे जो मिनिमम इंडेक्स से मैक्सिमम इंडेक्स तक चलता था। और एआई जैसे ही मैं लिखता था लूप के अंदर, यानी हर एलिमेंट के पास हम पहुंच रहे हैं। सिमिलरली टू डायमेंशनल एरे में कोई भी लॉजिक लगाएंगे, हर एक एलिमेंट के पास जाना है, अगर हर एक एलिमेंट के पास जाना है तो हमको नेस्टेड लूप लगाना है। ठीक है, तो इसको दिमाग में एकदम बिल्कुल बिठा लीजिए, हर एक एलिमेंट के पास जाना है तो एक नेस्टेड लूप लगाना है। और नेस्टेड लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आउटर लूप अगर रो के लिए चल रहा है, इनर लूप कॉलम के लिए चल रहा है, तो आउटर लूप जीरो से लेके रो मैक्स तक चलेगा और इनर लूप जीरो से लेके कॉलम मैक्स तक चलेगा। ठीक है, मैक्स मीन्स मैक्स इंडेक्स। ओके, सो चूंकि हमें प्रिंटिंग करनी है तो हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे तभी तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सो अगेन हमें नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि हम कब नेस्टेड लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, सिंपली हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना है, यानी एक एलिमेंट के पास जाना है उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हर एक एलिमेंट के पास जाना है ना, हर एक एलिमेंट के पास जाना है, इसका मतलब नेस्टेड लूप हमें लगाना है। सो नेस्टेड लूप लगाने का फिर वही तरीका, जीरो से लेके आई जीरो से लेके रो मैक्स तक, और उसी तरह इनर लूप में जे जीरो से लेके कॉलम मैक्स तक। तो यहाँ पे टू और थ्री है, सो टू वही तक लेस देन टू एंड लेस देन थ्री तक जाएगा रो एंड कॉलम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमको रीड नहीं करना है, डिस्प्ले करना है। सो आई विल जस्ट गिव अ प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट इंस्टेंट ऑफ स्कैनफ, स्कैनफ की जगह मैं प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दूंगा। और प्रिंट ऑफ के अंदर फिर से चूंकि इंटीजर वैल्यू है सो परसेंट डी और बिना एम परसेंट साइन के ए ऑफ आई जे। ठीक है, तो आई वैल्यू जे की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे। तो आपको पता है एक बार में एक रो ही प्रिंट होती है ना, आपको पता है कि एक बार में एक रो ही प्रिंट होती है। सो एक रो जैसे ही प्रिंट होगी, इनर लूप एक बार चलेगा कॉलम का, एक रो प्रिंट हो जाएगी, फिर इनर लूप चलेगा एक बार पूरा, दूसरी रो प्रिंट हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर इनर लूप पूरा चल जाने के बाद इनर लूप के बाहर एक स्टेटमेंट लिखी है बैक स्लैश एन, यानी एक रो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में दूसरी रो प्रिंट होगी। ठीक है, तो जितनी भी रो हो अगर हम इनर लूप के बाद एक बैक स्लैश एन न्यू लाइन प्रिंट कर दे रहे हैं, इसका मतलब एक रो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट जो भी अब एलिमेंट प्रिंट होंगे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। तो रो वाइज एलिमेंट प्रिंट होंगे जैसा कि हम मैट्रिक्स को देखते हैं कॉन्सेप्चुअली रो कॉलम के फॉर्मेट में। अदरवाइज अगर आप ऐसा प्रिंट ऑफ बैक स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो सारे एलिमेंट छह एलिमेंट एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो तो आपको हर एक रो प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन देनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारे नेक्स्ट रो प्रिंट हो। इज इट क्लियर? देखिए आउटपुट में यहाँ पे क्या दे रखा है, आउटपुट स्क्रीन जो आपकी कंसोल स्क्रीन होती है उसमें सबसे पहले आपसे जैसे हमने यूजर से मांगा था एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स मांगेगा यूजर, जो भी इनपुट करेगा स्पेस दे देके 683412, ये चार छः एलिमेंट इनपुट किया, वो छः एलिमेंट रीड हो गए, रीड हो गए तो एरे आपका इनिशियलाइज हो गया।
जब एरे इनिशियलाइज हो गया तो अब हमें डिस्प्ले करना है। तो मैंने डिस्प्ले करने में स्टेटमेंट क्या लिखी है, प्रिंट एफ एंटर्ड एलिमेंट्स आर। तो आउटपुट स्क्रीन में देखिए क्या लिख के आएगा, एंटर्ड एलिमेंट्स आर, और उसके बाद बैक स्लैश एन, यानी एंटर्ड एलिमेंट्स आर प्रिंट करने के बाद नीचे वाली लाइन में आ जाएगा एक नेक्स्ट लाइन। ओके, और जैसे ही नेक्स्ट लाइन में हमारा आएगा, इसके बाद हमने क्या इसका नेस्टेड लूप लगा रखा है प्रोग्राम में, और जब नेस्टेड लूप लगा रखा है प्रोग्राम में तो एक एक एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे। पहली रो का जैसे ही एलिमेंट पूरे प्रिंट हो जाएंगे 6, 8, 3, सो इनर वाला लूप उस समय एक बार पूरा चल चुका होगा। और जब इनर वाला लूप एक बार पूरा चल चुका होगा तो अब हमें क्या करना है, न्यू लाइन देना है। न्यू लाइन जैसे ही देंगे हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब जब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा तो नेक्स्ट रो जब प्रिंट होगी तो ऑटोमेटिकली 4, 1, 2 ये किस में होगी, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज है। इसके बाद सारे एलिमेंट डिस्प्ले होने के बाद हमने जेड सी एच लगाया और मेन फंक्शन क्लोज। यहां तक कोई भी ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई आपके? स्टिल अभी भी सारे स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं लाइव क्लासेस के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइज, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर आप उनको कम्युनिकेट कर दीजिएगा जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, आप लोग भी देख रहे हैं हु इज अटेंडिंग हु इज नॉट अटेंडिंग, मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ जो लोग नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आई एम जस्ट वार्निंग ऑल ऑफ देम दैट डेफिनेटली दे विल गेट सम पेनल्टी फॉर इट, इंटरनल मार्क्स हो चाहे कुछ भी हो, अटेंडेंस के मार्क्स हो, टीए के मार्क्स हो, अटेंडेंस तो चलिए आपकी फिर भी चूंकि अभी अटेंडेंसेस हो नहीं रही हैं वैसे, लेकिन लाइव क्लासेस में भी आपकी ये अटेंडेंस ही है एक तरीके, तो मार्क्स आपके कहीं भी कट सकते हैं, तो डोंट कंप्लेन। और ये चीज़ हैपन होगी क्योंकि आप सीरियस नहीं ले रहे हैं अगर चीज़ों को, जो भी लोग नहीं ले रहे हैं, जो ले रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको ये बात कम्युनिकेट कर दीजिएगा बहुत अच्छे, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में ये बात शेयर कर दी है, एंड एवरी टीचर विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम दोज़ हु आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम, अगर आपको कुछ टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं फिर से रिपीट करूं या कोई चीज़ नहीं समझ में जिसके भी, तो मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा स्पेसिफिक टॉपिक कि ये पार्ट नहीं समझ में आया इस टॉपिक का, ठीक है, वो पार्ट मैं कल वो पार्ट मैं फिर से रिपीट कर दूंगा एंड इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और अगर किसी का क्वेरी नहीं आती तो मैं सिंपली नेक्स्ट लेक्चर जहाँ से कंटिन्यू करना है वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। ओके सौरभ, ठीक है, देख लो अगर हाँ मतलब कोई भी दिक्कत हो अगर समझ में आ जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं समझ में आए देन यू आर फ्री टू आस्क। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर आप लोग अपना अटेंड करिए, कल मिलते हैं फिर।